Hey guys, this is Babu Pistol. और मैं आपका दोस्त बाजुआ। जी, नया गाना आया है दर्शन रावल का। ठीक है, दर्शन रावल इंडिया के बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। ठीक है, काफ़ी उनमें क्वालिटीज़ हैं। अच्छा। और बहुत कम उम्र में उन्होंने ये शुरू किया था और आज इंडिया में उनकी एक अच्छी ऑडियंस है। अपना उनका लेबल है इंडी म्यूजिक लेबल के नाम से, तो बड़े बड़े अच्छे गाने देते हैं। रिसेंटली उनका एक गाना आया था बारिशों में जब। हाँ। बड़ा अच्छा, मजे ये वो है। हाँ बिल्कुल यार, क्या बात, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम। भाई बड़े, इनकी आवाज इतनी मजे की है ना, इतनी सोलफुल। हाँ वो तो है। ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, पहले गाना सुनेंगे फिर देखेंगे क्या बनाया उन्होंने, फिर बातें करेंगे, बाकी चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये जरूर दबाना है। स्टार्ट करते हैं फिर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट। वीडियो भी देखने वाली होती है। म्यूजिक तो बड़ा मजे का लग रहा है, स्टार्ट ही बड़ा मजे का है। क्या बात है। पिया रे क्या बात है। अच्छा, इसके बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो लोग समझते हैं कि अरिजीत सिंह ने बोले। मुझे लग रहा है कि वो ही है। नहीं, इसकी आवाज थोड़ा सा फर्क है। आवाज बड़ी प्यारी है यार। हम कोई भी अच्छी आवाज होती है, हमें लगता है अरिजीत की आवाज है। बिल्कुल, क्योंकि अरिजीत की आवाज कानों में घुल गई हुई है हमारे। सुने बहुत है यार। हाँ पे है। क्या बात है, नाम तेरा। वाओ। क्या बात है यार। ओ, क्या मैच किया यार। हुक लाइन क्या बात है, मजेदार। ओ रे पिया, ओ वाओ, ओ यार क्या सीन डाल दिया। सही बात है, थ्री तो नहीं। पी आर ए जो सिंगर है वो कहीं थ्री तो नहीं। नहीं नहीं, ओरिजिनल है कश्मीर। अच्छा, दर्शन रावल, मैं इनको काफी टाइम से सुन रहा हूँ। तकरीबन मुझे कम से कम 10 साल हो गए इनको सुनते हुए। अच्छा, इतने पुराने सिंगर है, 10 साल से इनके गाने सुन रहा हूँ और ज़्यादा इनके गाने बारिश के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे गाने, जब भी बारिश होगी इस तरह का एक गाना है। ठीक है, बड़े मजे मजे के गाने दिए हुए हैं। अभी याद नहीं आ रहा है, राइट टाइम पे याद नहीं है ना जरा। हाँ बिल्कुल, अभी ये सुन रहे हैं तो ये सुन के तो वैसे भी सब कुछ भूल गया। दर्शन रावल जो है, एक तो बड़े प्यारे हैं। ठीक है, इतने खूबसूरत है। ठीक है, ऊपर से आवाज इतनी प्यारी उनकी, और जो एक्ट करते हैं अपनी हर वीडियो में वो खुद एक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत एक अच्छी चीज है उनके अंदर। एक मल्टीपल आर्टिस्ट हैं वो, यानी वीडियो भी वो खुद करते हैं, लिखते भी खुद हैं, उसके बाद प्रोड्यूस भी खुद करते हैं, डायरेक्ट भी खुद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जल्दी से प्ले करो, लड़की नहीं देखी है वो जो वीडियो में है यार, मतलब वो देख ले वो कौन है। तुझसे मेरा ख्यालों की दुनिया।
क्या बात है, कितना स्मूथ म्यूजिक चल रहा है यार। कमाल का यार, क्या बात है। हुक लाइन बहुत मजे की है, वैसे तो पूरा गाना परफेक्ट है। वाओ, कंपास चीज नोट किया आपने? क्या चीज? जहाँ जहाँ भी ये जाते हैं ना, वहाँ वहाँ पे पहले जो लड़की है ना उसको उसने देखा हुआ है, उसको याद करता है। हाँ। एक चीज़ आपने नोट, वो जरा बहुत ही नोट करने वाली चीज़ है, क्योंकि वो तो टूर पे है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तलाश उसने में तो बोला है कि जहाँ भी जाता हूँ तुम ही देखता। हाँ, तो वो पहले देखता है कि मैं ऐसी जगह पे, वो देखा उस जो भी है लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड जो भी है। यार जबरदस्त किया है यार, कमाल का। This is beautiful. 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 यार मजा आ गया। दिल को छू जाने वाली लाइन है इसकी। मतलब इतना अच्छा काम यार। दर्शन रावल काफी टाइम के बाद गाना बनाते हैं, मतलब काफी टाइम तो नहीं, 3-4 महीने बाद गाना रिलीज करते हैं, लेकिन जब भी रिलीज करते हैं मजा आ जाता है यार। सुनो तुम भी यार, जबरदस्त है यार। ये वन टाइम सुनने वाला गाना नहीं होता इनका, सबसे पहली बात, ठीक है, वन टाइम सुनने वाला नहीं है, प्लेलिस्ट में रखा जाता है और फिर बार बार सुना जाता है। इनके गाने ऐसे हैं, ठीक है, बहुत ही मजे का गाना है, दोबारा मैं सुनूंगा यार। मैं कहता हूँ पहले तो फील किया, अब सुनना चाहूंगा ऐसे यार क्या चीज बनाई है। ये देखो ना, इंट्रो बहुत मजे का एक इन्होंने किया, नुशाद खान। अच्छा, लड़की तो दिखाई नहीं है पूरे गाने में, यही तो चीज़ है ब्रो। सस्पेंस है। अच्छा, सीन बड़े कमाल के कैप्चर किए गए हैं इसमें, जिस तरह ये वाला सीन था अभी स्टार्टिंग पे ही, किथे गया ये वाला, किथे गया ये वाला। भाई पंजाबी टच तो फिर निकलेगा ना, हम पंजाब से ही हैं यार, पंजाब से हैं। ये वाला सीन मेरे ख्याल में कहीं कश्मीर वाली साइड पे ही इसका शूट किया होगा। ये देखो वो पीछे यार पहाड़ियाँ, बंदा वैसे भी चला जाए ना उधर इस जगह पे तो बहुत मजा आता है। भाई मैं तो उधर ही फील कर रहा हूँ इस टाइम। हाँ, जिस तरह की वीडियो दिखा दी है उन्होंने, पीआर है। शैडो ही दे रहे हैं बस उसके, यही तो एक्सपेंस होता है लास्ट तक दिखाने का। भाई म्यूजिक के बारे में अगर मैं कहूँगा तो समटाइम ऐसा होता है कि आप लिरिकली बहुत अच्छा गाना लिखा होता है आपने, लेकिन म्यूज़िक आप इतना सारा ऐड कर देते हो, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि आपकी आवाज़ की जो फील है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आप म्यूज़िक के ऊपर इतना फोकस कर देते हो, ये हमारे पंजाबी में बोलते हैं खलारा पा देना, ठीक है, यानी खलारा नहीं डालना भाई, ये इस तरह की चीज़ मज़ा आता है। लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं पीछे, उसकी आवाज़ जो है ना वो एक क्लियर आ रही है, हमें मज़ा आ रहा है, फील आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये चीज देखिए एक मेरा कहने पे, ओह
बहुत मेहनत होती है इस तरह का सीन कैप्चर करने। भाई इस पे अच्छी खासी मेहनत हुई है। अरे पिया ये चीज, ओहो क्या सीन कैप्चर किया, ड्रोन के साथ कैप्चर किया हुआ ये सीन है। और ज़्यादातर इस तरह के सीन जो होते हैं ना वो एडिटेड होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल नहीं होते, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है एक ओरिजिनल सीन है, ठीक है, क्योंकि पूरी वीडियो इसी तरह की चल रही है, पूरी वीडियो में उन्होंने वही लोकेशंस दिखाई हुई हैं। वाह, ओहो नजर आए हैं। कमाल का म्यूजिक है यार, मस्त कर देने वाला। अच्छा मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो खत्म करने का, मैं मेरा दिल कर रहा बार बार सुनूं इस गाने को। मंजूर है जुदा, क्या बात है यार, बेचैन है। बहुत अच्छा गाना था, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर ऐसे ही हम सुनते रहेंगे, वीडियो बंद करके दोबारा सुनते रहेंगे, बाकी बड़ा अच्छा गाना खत्म नहीं होगा लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपको गाना कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, जाके जरूर सुने गाना और अपनी प्ले लिस्ट का हिस्सा बनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।